700 साल पहले की बात है। सरजमीन ईरान पर गम के बादल छाए हुए थे। शहंशाह ईरान कांसें गिन रहा था। अभी तक नहीं आए। हमारे ईरान की हिफाजत करना रुस्तम, वादा करो रुस्तम, वादा करो। मेरे आका, मैं वादा करता हूं, मैं दिलो जान, मैं सरो चश्म, بندگان اقدس فرما روای ایران اعلی حضرت شهنشاه کے قوس زندہ باد
बीच रास्ते दरक गिर पड़ा है। तो फिर हम महल कैसे पहुंचेंगे? रुको रक्ष। इसी अपने सफाइयों में नौकर क्यों न रख लिया जाए? ये देखकर हमें मसर्रत हुई कि तुम जैसे सिपाही समनगान में मौजूद हैं। मेरा ताल्लुक ईरान से है, समनगान सिर्फ शिकार की गरज से आता हूँ। तो तुम ईरानी हो? बफजले खुदा मैं हूँ जिसे बदलना इंसान की ताकत नहीं। तुम्हें ये मुलाजम मंजूर नहीं? नहीं। और हमें भी ऐसे मुलाजिम की जरूरत नहीं जो इस कदर मगरूर हो। अपनी मेहनत का सिला लेकर तुम जा सकते हो। वजीरे अफसोस है तुम्हारी बदनसीबी पर। ये लो। तुम्हें ईरान का खुदा कर दिया बहुत कुछ। आपकी ये बख्शिश आप ही को मुबारक हो। खुदा हाफिज। चलो रख। फरमाइए शहजादी साहिबा। तुम चाहते हो ये अशरफियां तुम्हें मिल जाएं? ये सब जितने भी तुम इस तरह मोड़ सको। दो कारमुस
आज तुम अपनी ताकत का कमाल दिखा दो। शहजादी साहिबा, ये काम सिर्फ रुस्तम ईरान की बस की बात है। हम तुम्हें इस सच्चाई पे ये तमाम अशरफियां इनाम देते हैं। खादिम, आपका शुक्रिया अदा करता है। खादिम, क्या खिदमत की है तुमने हमारी? गुलाम आपके हर इशारे पे अपनी जान कुर्बान कर सकता है। इसका मौका देते हैं, रुस्तम ईरान का घोड़ा हमें ला दो। रुस्तम ईरान का घोड़ा? हाँ, जिस तरह भी मुमकिन हो सके। लेकिन शहजादी साहिबा, क्यों जान कुर्बान करने का जोश ठंडा हो गया? हुक्म की तामील होगी। शहजादी साहिबा, आपने घोड़ा क्यों मंगवाया? इसलिए कि घोड़े को तलाश करते हुए उसका मालिक भी यहां पहुंच जाएगा। बहुत खूब। बात का किसी को पता ना चले। जो हुक्म। रक्ष रक्ष रक्ष। जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो तुम्हें समंगान के महल में मिलेगी। समनगान के महल में? खुश नसीब है वो खाक जिस पर रुस्तम ने कदम रखे हों। वो रुस्तम जो मेरे मुल्क मेरे मजंदरान को जालिमों से पाक करेगा। बेचैन है उनके लिए, जानती है वो होंगे तो इस महल का मैदान बना देंगे। उमा, कौन हमारे महल का मैदान बना देगा? जी ये कहानी सुनी थी अब्बा जान। जी जी हाँ हुजूर। अब्बा जान, ये कहानी कुछ और ही मालूम होती है। ये जरूर कोई शरारत करने वाली है। भाई जान, आप तो हमेशा यूं ही छेड़ते रहते हैं। नहीं बेटी, तू तो बहुत समझदार है। भाई जिंदे, तुम तो खामखा छेड़ा करते हो हमारी बेटी को। लेकिन तहमीन, तुम भी जरा ख्याल रखना, आज हमारे यहाँ चंद मेहमान आने वाले हैं, कहीं ये महल वाकई मैदान न बन जाए। हजूर, सुना है कि एक शायर अफीम के नशे में एक शायर अफीम के नशे में अपने नौकर को बुला के कहने लगा। क्या कहने लगा? अमा देखो तो सही, छत से कौन गिरा है? बहुत जोर से आवाज आई है। उसने कहा, सरकार आप ही तो गिरे हैं, और कौन गिरा है? क्या कहा? मैं गिरा हूँ। ओह, जब ही बहुत चोट आई है।
दिल से चुका लो वरना ऐसा न हो कि समंगान की सरजमीन रुस्तमे ईरान के कहर से कांप उठे। शहदोर रुस्तमे ईरान और हमारे महल में? हाँ तुम्हारे महल में, और पेशते इसके कि हम तुम्हारे महल की ईंट से ईंट बजा दें, हमारा घोड़ा हमें लौटा दो। आपका घोड़ा? बखुदा हमें कोई इल्म नहीं। तुम झूठ कहते हो, तुम्हारे सिपाही खुद उसे महल की तरफ लाए और यकीनन तुम्हारे हुक्म से। ऐसा हुक्म जिसका नतीजा आपसे दुश्मनी हो हम कैसे दे सकते? अगर आपको शक तो आप महल की तलाशी ले लीजिए। कोई तलाशी की जरूरत नहीं, अगर रक्ष यहां होगा तो यकीनन हमारी आवाज का जवाब देगा। रक्ष 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 खुदा के लिए अपने आप को परेशान न कीजिए। शहजादे जाओ घोड़े की तलाश के लिए हुक्म जारी कर दो। अब्बा जान शहसवार ईरान हमारी इल्तजा है कि आपका रक्ष मिलने तक हमें खिदमत का मौका दीजिए। आइए तशरीफ लाइए। कामयाबी मुबारक हो शोक कहीं की। हमें बेहद अफसोस कि हम आपकी महफिल में खलल अंदाज हुए। शर्मिंदा न कीजिए, यह हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान बने। शहजादे कनीजों से कह दो कि शाही आरामदार को सजा दे। शाहजादी महारुख इतर दान लिया। सारी कमरे में खुशबू बिखेर दो, सारी कमरे में खुशबू बिखेर दो। तुम मेरे अल्फाज क्यों दोहरा रही हो? आपने मेरे लिए और काम ही क्या छोड़ा है? काश आपके आने की इत्तला पहले मिल जाती। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। है आपकी आरामगाह। शुक्रिया। और इत्मीनान रखिए, आपका घोड़ा तलाश करने के लिए हम समंगान का कोना कोना छान डालेंगे। हमें इत्मीनान है। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। अब तो हमें जाना ही होगा, लेकिन कैसे? कौन तुम? मैं कनीस। हमारे करीब आओ। ये बंद खोल दो। तुम ये बख्तर खोलो। कितने दिन से काम कर रही हो? ये आज शाम ही से कनीज बनी है, अगर यूं ही काम करोगी तो बस छुट्टी। क्या खूब बजाती हो। रुक क्यों गई? बजाओ, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। हुजूर इनाम तो उन्हें मिल चुका। ये कैसी
अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। ये दिल का धड़कना, ये नजरों का झुकना, जिगर में जलन सी, ये सांसों का रुकना, खुदा जाने क्या दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। ये तुमने उंगली में क्या पहन रखा है देखें। सुना नहीं तुमने? हमारी सब चीजें तैयार रखो। गुलाब का पानी कम तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। हमारा जुब्बा लाओ। अभी पेश करती हूँ। शहजादी, हमने तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनी, आंखों में बेचैनियां देखी। मैंने बहुत रोका मगर कदम आपके पास आने से ना रुके। तुमने इसका अंजाम भी सोचा है? अंजाम? मैंने शमा को पिघलते देखा है, परवाने को जलते देखा है, दिल को समझाने के लिए यही काफी था।
है हुमा? रुस्तम ए ईरान तो जा रहे हैं। क्या? जी हाँ शहजादी साहबा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तैयारी कर रहे हैं। मत, मैं अपने दिल की बात मानकर अपने फर्ज को भूल जाऊं ये नामुमकिन है। मुझे यहां से चले ही जाना चाहिए, ये बात अफसाना बनने से पहले ही खत्म हो जाए यही बेहतर। अगर आपका यही फैसला है तो अपनी मौत का सामान मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। आपका घोड़ा रक्ष खुद अपने हाथों से सजाकर आपको वापस कर दूंगी। शहजादी, क्या मतलब? मैंने ही आपका घोड़ा चुराया था, आपको अपने पास बुलाने के लिए मैंने ही आपके गुस्से और अपने खानदान की जिंदगी का खतरा मोल लिया था। अर्मीनिया, मेरी जिंदगी की हर उम्मीद टूट चुकी है। आपको सफर मुबारक। मुझे समझने की कोशिश करो तहमीनिया। तहमीनिया, मुझसे शादी मैदान जंग की बर्बादियों से शादी होगी। मुझे यकीन है कि आपके होते हुए कोई बर्बादी मुझे छू नहीं सकती। मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुकी। अब भी अगर आप जाना चाहें तो तहमीन जाने रुस्तम। शाहजाल शहजादी समनगान मुसम्मा तहमीनिया अपनी शरीक हयात कबूल करता। मन के तहमीनिया शहजादी समनगान मुसम्मी रुस्तम वल्द शाहजाल को अपना शौहर कबूल करते हूँ। ऐ खुदाए कायनात, मैं इस निकाह के इकरार की तस्दीक करता हूँ। तू हाजिर नाजिर है, इसे कबूल कर। रुस्तम की शादी हो गई और बहुत दूर रेगिस्तानों के उस पार सरजमीन माजंदरान में रुस्तम के खिलाफ एक नया फितना उभर रहा था। बादब, बामुलायदा, होशियार, शहंशाह माजंदरान रौनक अफरोज होते हैं। यही है वो नजूमी जिसने मौत का डर दिला के माँ बदौलत की रातों की नींद हराम कर दी है। आलीजा, कौन है हमारा दुश्मन? आपके सितारे आलीजा। हमारे दुश्मन का नाम सितारों की जबान में नहीं, हमारी जबान में बताओ। तो सुनिए आलमपना, जैसे मेरी मौत आपके हाथों से होगी वैसे ही आपकी मौत ईरान के रुस्तम जबोली के हाथों से होने वाली है। रुस्तम,
लंपना, घबराइए नहीं, जब तक ये गुलाम जिंदा है कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। मां बदौलत सितारों की गर्दिश बदल देंगे। मुनज्जिम की पेशीन गोई ने शाहे माजंदरान की नींद हराम कर दी और रुस्तम के खौफ से वो अपने रफीक दोस्त शहंशाह तूरान अफरासियाब के पास चला गया। शहंशाह अफरासियाब, अब मैं सब तरफ से परेशान हो गया। शाहे माजंदरान, एक नजूमी के अल्फाज पर इस कदर परेशान होना पागलपन नहीं तो क्या है? फिर रुस्तम से आपकी क्या दुश्मनी? आप ही जान लेकर वो क्या करेगा? रुस्तम, रुस्तम, रुस्तम! आप लोग रुस्तम से इस तरह डर रहे हैं जैसे रुस्तम इंसान नहीं बल्कि खुदा है। शहजादे, ये ठीक है कि रुस्तम खुदा नहीं, लेकिन खुदाई ताकत का मालिक जरूर है। तुम अभी कमचिन हो, ना तजर्बेकार हो, तुम्हें अभी कुछ नहीं मालूम। हम जैसे जर्रार सिपाही भी उसकी तलवार का लोहा मानते। लेकिन अब्बा जान, क्या अर्जन और सफेद देव रुस्तम से कुछ कम है? क्या बात है शहजादे, हमारा तो दावा है कि एक बार रुस्तम हमारे सामने आ जाए तो हम उसे सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो फिर देर किस बात की है, जाइए और रुस्तम को हमेशा के लिए खत्म कर दिए। नहीं नहीं, मैं अपने बहादुर जानिसारों को हरगिज अपनी नजर से दूर नहीं होने दूंगा। तो फिर मैं जाऊंगा। शहजादे, सोए हुए शेर को जगाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन ऐसे खतरनाक शेर को जागने ही क्यों दिया जाए अब्बाजान? ये तुम्हारी जवानी का जोश है, वरना रुस्तम से टक्कर लेना तुम्हारा काम नहीं। हमें तुम्हारी जान बहुत अजीज है। ठीक है, अगर रुस्तम की मौत का पैगाम लेकर हम ईरान नहीं जा सकते तो अपनी मौत का इस्तकबाल करने वह खुद मजंदरान आएगा। रुस्तम मजंदरान आएगा? वो कैसे? शाह ईरान कैकाउस को गिरफ्तार करके मजंदरान की कैद में डाल दिया जाएगा और जब रुस्तम को यह खबर मिलेगी तो अपने बादशाह को राही दिलाने मजंदरान जरूर आएगा। क्या बात है शहजादे, इस कमसिनी में यह आलम बना, मैं कायल हो गया। मगर यह होगा कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दिए चाचा जान। शाख है नाजुक दुल्हन, ऐ जाने मन सदके तेरे ये जिस्म ओ जान माजंदरान, माजंदरान। तेरे या गो
निگاہوں کی نظر لالو جواہر اس قدر ممکن نہیں ممکن نہیں جن کا بیان مازندران حسن کی محفل ہے تو ہر شوق کی منزل ہے تو ہم عاشقوں کا دل ہے تو ہر لب پہ تیری داستان مازندران بہت خوب شاعر تم نے اپنے وطن کی تعریف بہت ہی دلکش انداز میں کی ہے یہ محض تعریف نہیں حقیقت ہے شہنشاہ اور اگر یہ حقیقت ہے تو ہم اس سرزمین کو جنت نشاں کہیں گے کاش ہم بھی اس فردوس کو دیکھ سکتے جس کا خواب تم نے ہمیں ابھی ابھی دکھایا ہے شاعر ناچیز اسی غرض سے حاضر ہوا ہے شہنشاہ یہ لیجئے شاہ مازندران آپ کی دوستی کے دل سے خواہش مند ہیں حضور کی خدمت میں یہ تحفے اور یہ دعوت نامہ بھیجا بخدا ہم اس بادشاہ سے مل کے بہت خوش ہوں گے جو مازندران ایسی سرزمین کا حکمران ہو شاعر ہم مازندران کب پہنچیں گے حضور مازندران پہنچ چکے ہیں اس اجڑے ہوئے ریگستان کو تم جنت نشاں کہتے ہو تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تمہیں مازندران کے تہہ خانے میں ڈال دیا جائے گا شاعر نہیں شہزادہ توران لے جاؤ اور چچا جان سے کہہ دینا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا یاد رکھو شہزادے رستم ہماری امداد کے لیے مازندران ضرور آئے گا اور تم سے تمہاری مکاری کا انتقام لے کر ہی رہے گا اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ رستم مازندران آئے ایران کا مغرور بادشاہ شرم سے گردن جھکائے آج قیدی کی حیثیت سے ماں بدولت کے دربار میں حاضر ہے رستم کا گرز جب تیرے مغرور سر پہ پڑے گا تو تیرے جسم کے ہڈیاں آسمان میں اڑتی نظر آئیں گی اس پاگل کتے کو لے جاؤ اور بھوک سے تڑپا تڑپا کر مار دو جب انسان سوئی پر اتر آتا ہے تو اس کے دماغ کی تمام روشن بتیاں بجھ جاتی ہیں دروازہ بند کر دو امین میں دیکھنا کروں آپ نہیں اٹھیں گے تو ہم اسی طرح ستائیں گے تم ستاؤ گی تو ہم تمہیں سستا دیں گے
तहमीन, तहमीन, देखो पानी में गिरोगी। अब बता, क्या सजा दूँ तुम? ये सजा होगी? हजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? आजकल आपको इनसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। हुमा। आजकल? क्या मतलब? हजूर, ऐसा मजाक आने वाले मेहमान के लिए अच्छा नहीं। मेहमान? हजूर, आप माँ बनने वाली हैं। माँ बनने वाली? तहमीन। हुमा, हुमा, हम तुम्हें क्या इनाम दें? लो, लो, ये लो। कारमुस, हुक्म के मुताबिक ये फरमान रुस्तम ईरान के सिवा किसी को नहीं दिया जा सकता। कासिद, समनगान की शहजादी को भी नहीं दिया जा सकता। समनगान की शहजादी? तो ये लीजिए, मुझे इल्म नहीं था, खादम माफी चाहता है। तुम जा सकते हो, तुम भी। करे कोई बुरी खबर तो नहीं शहजादी साहबा? इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है? उनके नाम बुलावा आया है हुमा। बुलावा आया है? तहमीन, सवार ईरान, मैं बहैसियत वज़ीर आज़म ईरान बसत अफसोस इत्तला देता हूँ कि शहंशाह ईरान कैकाउस को शाह माजन दरान ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया है। अब शहंशाह ईरान माजन दरान की कैद में है। आपकी तारीफ आलम बना। ये है ईरानी फौजों का सरदार आज़म। और वो रहे आपके खास मेहमान शाह ईरान। बादशाहों के बादशाह शहंशाह ईरान, ये गर्दन न कभी झुकी है न झुकेगी। लेकिन कट तो सकती है। इतनी जल्द नहीं सफेद देव, अभी तुम बदौलत को इनके मुंह से माजिंदरान जिंदाबाद सुनना है। अब बोलो, माजिंदरान जिंदाबाद। ईरान जिंदाबाद। जिस तरह भी हो, शहंशाह ईरान को माजिंदरान की कैद से निजात दिलाइए। खुदारा निजात दिलाइए।
मैं जानता था तुम आंसुओं के दरिया बहाओगी। खुदा इसी खौफ से मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहने नहीं आया। तो आप ही बताइए कि मेरा तड़पना दुरुस्त है या नहीं। तहमीन, तहमीन, पहुंच डालो ये आंसू, वरना ऐसा ना हो तुम्हारा रुस्तम इन आंसुओं के सैलाब में बह जाए और ईरान की तारीख में उसका नाम एक स्याह धब्बा बनकर रह जाए और दुनिया वाले उसे एक बहादुर सिपाही की बजाय एक ऐश परस्त इंसान के नाम से याद करें। बस कीजिए, खुदा रब बस कीजिए। ये है हमारे खानदान की निशानी, ये तावीज हमारे बच्चे की बाजू पर बांध देना, ये उसे हर मुसीबत से महफूज रखेगा। अब भी अपने रिश्ते को खुदा हाफिज न कहोगी? खुदा हाफिज। शाह के दुश्मनों को मेरा एक ही बार हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर देगा। शहंशाह, किस्मत का लिखा हुआ जुल्म की तलवार से कभी नहीं मिट सकता, लेकिन शाह ईरान को जिंदा वापस करके आप रुस्तम के हाथों मरने से बच सकते हैं। हमारी सफेद जो ऐसा हरगिज न करना। माँ बदौलत इसकी पेशिन गोई को गलत साबित करने के लिए न तो इसे खुद कत्ल करेंगे न अपने किसी जानेसार के हाथ से कत्ल होने देंगे। आलम बना खाकसार किसी की जुबान से आपकी मौत का जिक्र भी नहीं सुन सकता। ये जो कुछ बकता है इसे बकने दो, तुम अपना काम करो। आलम बना कैकाउस आप कह दे मौजंदरान जिंदाबाद, वरना इन गर्म सलाखों से तेरे जिस्म की गर्मी हमेशा के लिए सर्द कर दूंगा। खुदा के लिए शहंशाह ईरान को भी छोड़ दीजिए। हट जाओ। मेरी पेशन गोई, मेरी मौत आपके हाथ से और आपकी मौत। मुनज्जिम, मुनज्जिम। अर्जन, मां बदौलत को रुस्तम के नाम से डर लगने लगा है। जब तक हम गुलाम जिंदा है आलम पना, आपको डरना नहीं चाहिए। डर का एहसास ही शिकस्त का दूसरा नाम है आलम पना। तुम ठीक कहते हो, लेकिन दुश्मन को कमजोर समझना भी गलत है। अच्छा तुम ऐसा करो कि कुछ आदमी लेकर दो शेरों वाले दरवाजे पर चले जाओ और रुस्तम जिस वक्त हमारी सरहद में दाखिल होने की कोशिश करे उसे वहीं कत्ल कर दो। आप इत्मीनान रखिए आलम पना, अर्जन जैसी लोहे की दीवार से टक्कर लेना रुस्तम की ताकत के बाहर है। Thank you.
मुझे अकेला ही निपटने दो। कौन हो तुम? तुमने मेरे मामलात में दखल देने की जरूरत कैसे की? क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते बदतमीज? अच्छा तो तुम नहीं बोलोगे, लेकिन मुझे एक तरीका आता है जिससे तुम जरूर बोलोगे। इससे पहले कि रुस्तम का गुस्सा तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए, यहां से हट जाओ। मेरा मुंह क्या देखती हो? टूट पड़ो इस पर। Ha ha ha.
की तरह हट जाओ, जाओ, जाओ। खून की कसम जो मेरी रगों में दौड़ रहा है, इस शाम के सुबह होने से पहले मैं शाह मजंदरान से इस बदतरीन सलूक का इंतकाम लूंगा। सलामत ने काला हूर को फौरन याद फरमाया है, उनकी जिंदगी खतरे में है। काला हूर, काला हूर, काला हूर। फरमाइए अनीता। रुस्तम हमारी जान लेने आ रहा है। अनीता घबराइए नहीं।
शहजादे, तुम रुस्तम की नहीं बल्कि खुद अपनी मौत का सामान करने जा रहे हो। शाह माजंदरान को आपने अपना भाई और मैंने अपना चचा माना था, और अब आप ये चाहते हैं कि मैं उनके खून का इंतकाम भी ना लूं। शहजादे, मान जाओ अपने बाप का कहना, रुस्तम से उलझना मौत से उलझना है मेरे बच्चे। हकीकत आपके सामने आ जाएगी अब्बा जान, इजाजत दीजिए। सिपाहियों, शहजादे की लाश ले जाओ और अफरासियाब से कह देना कि शाह ईरान की तरफ नजर उठाकर देखने वाले का यही हश्र होगा। तुम्हारा बाप तुम्हें सब कुछ दे सकता है, मेरे बच्चे जिंदगी भी। मौत के आगे अपने से आपकी भी नहीं चलती मेरे बच्चे। परवरदिगार, काश तुमने औलाद ही न दी होती, न ये दिन दिखाया होता। शाह तूरान, अब न शहजादे को आपकी आहें जिंदा कर सकती हैं, न आपके आंसू। उठिए और रुस्तम से अपने शहजादे के खून का इंतकाम लीजिए। रुस्तम, तूने मेरे लखते जिगर मेरे बेटे खून किया है, लेकिन ये ना भूल कि तेरे भी औलाद है। तुम्हारे हाथ के निशान से ये और खूबसूरत हो गया है। अब इसे तुम्हारे अब्बा के पास ले जाएंगे ताकि उन्हें मालूम हो कि तुम कितने बड़े हो गए हो। अब्बा, कहाँ है मेरे अब्बा? तो नाराज है? नहीं बरखुर्दा, वो तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। तो फिर आते क्यों नहीं? हाँ अम्मी, आ जाएंगे बेटे, बहुत जल्द आ जाएंगे।
लीजिए, ये उन्हें दे दीजिए। मेरी दादी जी। ये भी उन्हें दे दें? जी हाँ। मगर देखिए कहीं का हाथ ना कट जाए। लेकिन बरखुरदार, ये छोटी सी तलवार है ना, ये आपके अब्बा का हाथ नहीं काट सकती। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। आपसे भी ज्यादा? हाँ, मुझसे भी ज्यादा। उमा से भी ज्यादा? नहीं, इससे ज्यादा नहीं। भाईजान, अब आप जाइए ना, इसकी बातों में लगे रहेंगे तो उम्र कट जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिस बात का डर था वही हुआ। खराब महल में पहुंच गया है। आलोक, तुम जल्दी से जाके चोर दरवाजा खोल दो। तुम सुराग को साथ लेकर छिप जाओ। और मदार, मेरी फिक्र न करो, तुम छिप जाओ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी अब्बा जी। तहमीनिया, बहस का वक्त भी नहीं है, जल्दी करो, छिप जाओ। अब बस दरवाजा बंद करो। कहाँ है रुस्तम का लड़का? क्या हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? खैर, मेरे सिपाही उसे ढूंढ निकालेंगे। शाह समनगान, हमें बहुत अफसोस है, तुमने हमारी दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नहीं शाह तुरान, आपकी दोस्ती पर तो मैं फख्र करता हूँ। झूठ है, गलत है, खाम है ये ख्याल। रुस्तम का दोस्त कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। शाहे तुरान, हमने महल का कोना कोना छान लिया है, शहजादी और बच्चे का कहीं पता नहीं। तो तुम उन दोनों को हमसे बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन कब तक? अफरासियाब की तलवार एक न एक दिन उनके खून से जरूर प्यास बुझाएगी। दिल तो चाहता इस महल को मिसमार कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। रुस्तम और उसके खानदान की तबाही का वो मंजर दिखाऊंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठे। नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज ही रात सोहराब को लेकर जंगल वाले खुफिया मकान में चली जाओ। हुमा और कानूस तुम्हारे साथ खिदमत में मौजूद होंगे। लेकिन अब्बा जान, यही बेहतर होगा। लेकिन किसी को मालूम न होने पाए कि तुम शहजादी हो और सोहराब रुस्तम ईरान का बेटा। यहाँ तक कि सोहराब को भी इस बात का इल्म न होना चाहिए कि रुस्तम ईरान उसका बाप है। ये क्यों अब्बा जान? इसलिए कि बच्चे के मुंह से निकली हुई बात अफरासियाब तक न पहुंच जाए और उसका नतीजा। हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। कैसा बेटा? अच्छा है ना? शाबाश भाईजान। तहमीना, खुदा का शुक्र है तुम सब लोग खैरियत से हो। और
और मुझे ये खुशी है कि आप सलामत लौट आए। हमें तो सिर्फ कुदरत ने बचा लिया, अफरासियाब हाथ धोकर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है। मैं जानता हूँ, अब्बा जान ने जालिम अफरासियाब के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये जगह बहुत महफूज है, यहां सौराब को कोई खतरा नहीं। भाईजान वो नहीं आए। कैसे आते? अफरासियाब ने ईरान में वो कयामत मचा रखी है कि बयान नहीं किया जा सकता। हर तरफ तबाही, खून, कत्ल, ईरान जैसे जहन्नुम की आग में जल रहा है। रुस्तम ईरान तो भाईजान सौराब के होते उनका नाम कभी ना लीजिए। अब इसे अपने बाप के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। आपने क्या कह रही थी? कुछ नहीं सौराब, कुछ नहीं। शेर बच्चे कोई रोते? और ये देखो तुम्हारा दोस्त है कारमूस। कारमूस तुम इस मेज को तोड़ सकते हो? जी एक हाथ से। जी हाँ तोड़ सकता हूं। अरे सुनो सुनो, अरे कारमूस क्या कहता है, ये मेज को एक हाथ से तोड़ सकता है। कैसे तोड़ सकता है? देखा बेटा, तुम भी ऐसा मजबूत बनो। हाँ। कारमूस हमारे सौराब को भी अपने जैसा मजबूत बना दो। हा? जरूर बना दूंगा हुजूर। ले जा। आओ सौराब। दिन गुजरते गए, सुहराब जवान हो गया। आप हार गए कारमूस। अगर इस वक्त तुम्हारे अब्बा यहां होते तो खुशी से फूले नहीं समाते। फिर आपने मेरे अब्बा का जिक्र किया? बताइए कौन है मेरे अब्बा? कम से कम मुझे यह तो बताइए कि मुझसे मेरे बाप का नाम क्यों छुपाया जाता? अम्मी की जबान बंद, मामूजान खामोश, और आप हमेशा टाल देते हैं, आखिर क्यों? सौराब, सौराब! आज भी जज्बात की जंग जारी थी। यहां सौराब के अरमान अधूरे और वहां रुस्तम की आरजुएं नाकाम। बस बेटे की यही एक निशानी थी जो बाप के कलेजे को ठंडा करती।
मुसलसल जंग ने रुस्तम को इतना मौका ही न दिया कि कभी अपने बेटे को देखता। न मालूम सोहराब के कितने ही ख्याली चेहरे उसकी आंखों में उभरते और आंसू की सूरत ढल जाते। क्या है रुस्तम के लड़के का ही पता चला? सिपाहियों ने समनगान का कोना कोना छान डाला है आलीजा, लेकिन रुस्तम के लड़के का कहीं पता नहीं चला। खामोश, हमारे कान नहीं गलत सुनने का आदि नहीं है। जाओ और उस वक्त तक हमारे सामने ना आना जब तक कि रुस्तम के लड़के का पता ना मिल जाए। जाओ, चलो चलो। लेकिन सोहराब दुश्मनों से बेखबर था। उसकी जिंदगी में बेबाकी थी, खुशियां थी और थी मोहब्बत। छोड़ दे मेरा पल्ला, फिर मिलेंगे।
मोहब्बत जाने दे, ए जाने मोहब्बत जाने दे, दे मुझको इजाजत जाने दे। मैं तुमसे वादा करती हूँ, कल आऊंगी इंशाल्लाह। अब देर हो गई वल्ला तू छोड़ दे मेरा पल्ला, अब देर हो गई वल्ला तू छोड़ दे मेरा पल्ला, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अब देर हो गई वल्ला, अब देर हो गई वल्ला। सरकार खुदा हाफिज, मेरे दिलदार खुदा हाफिज। अच्छा सरकार खुदा हाफिज, मेरे दिलदार खुदा हाफिज। क्यों खफा हो गए, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह। अब देर हो गई वल्ला तू छोड़ दे मेरा पल्ला, अब देर हो गई वल्ला तू छोड़ दे मेरा पल्ला, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अब देर हो गई वल्ला, अब देर हो गई वल्ला, अब देर हो गई वल्ला। ठहरो, सुना नहीं तुमने मैंने ठहरने के लिए कहा। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सोहराब। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जवान, इसमें नाराज होने की क्या बात है? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि तुम्हारा बाप कौन है। मेरा बाप कौन है? आ बचाओ सौरभ। सौरभ ये क्या कर रहे हो? सौरभ कहीं पागल तो नहीं हो गए? ये लोग क्यों मुझे तंग करते हैं, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं? सौरभ घर वाले बाप का नाम नहीं बताते और दुनिया वाले रह रहे के यही पूछते हैं। बारमन शहशाह फरासियाब से कहना कि रुस्तम के लड़के सोहराब का पता चल गया, और हाँ ये भी कहना कि उसे अपने बाप के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। जाओ। वैसा ही बहादुर, वैसा ही ताकतवर, जिद और गुस्सा भी वही। बफजले खुदा उनकी सब बातें सोहराब में मौजूद है। जब भी उसे देखता हूं मुझे उनकी याद आ जाती है। मुझे देखकर किसकी याद आ? कौन है जो याद की सूरत आता है और आंसू की सूरत चला जाता है? कुछ नहीं बेटा, हम तो यूं बातें कर रहे थे। लेकिन यूं ही बातें करते हुए आपके आंसू क्यों छलकते हैं? अम्मी जान, आज तो मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगा कि मुझसे मेरे बाप का नाम क्यों छुपाया जाता है। सोहरा, फिलहाल ये जिक्र बंद करो तो अच्छा है, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। आपका कलेजा फट जाएगा? क्यों? क्यों? क्या मेरा बाप इतना जलील इंसान था जिसका नाम सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा? सौरभ, मामूजान, आप ही मुझे खामोश नहीं कर सकते। आज मैं आपसे पूछ के रहूंगा कि मैं किसकी औलाद हूं, मेरा बाप कौन था।
सिपाही या बदमाश चोर डाकू लुटेरा। खामोश सोहराब, खामोश। सोहराब, माँ बाप की शान में गुस्ताखी नहीं किया करते बेटा। अभी ये राज तुम्हें नहीं बताया जा सकता। नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। कब तक नहीं बताया जाएगा? कब तक? जिंदगी भर नहीं बताया जाएगा, उम्र तमाम नहीं बताया जाएगा, समझे? ठीक, तो ये राज मैं खुद मालूम कर लूंगा। और उस लड़की का नाम शाहरुख। शाहरुख उमान, जिस तरह से भी हो सके उस लड़की को पकड़ के हमारी साथ खंडर तक ले आओ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि सोहराब तुम्हारा पीछा करे। जाओ, सर्दी खंडों में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रुस्तम, जो आंसू कभी मैंने अपने लड़के के लिए रोए हैं, वही आंसू अब मैं तुझे रुलाऊंगा। इससे वो इंतकाम लूंगा अगर दुनिया याद रखेगी। आओ मेरे साथ। क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम? ये बदमाश इसे भगा ले जा रहे थे। भगा ले जा रहे थे? जी हाँ।
क्या ये सच है? रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए हुजूर, हमसे गलती हो गई। नाकाबिले रहम है तुम जैसे जलील इंसान। ले जाओ इन सबको और तहखाने में बंद कर दो। हमें अफसोस है नौजवान कि हमारे सिपाहियों ने तुम्हें परेशान किया। ये आपके सिपाही? हाँ, हम अफरासियाब हैं, शहंशाहे तुरान। शहंशाहे तुरान, अफरासियाब? ये मेरी खुशनसीबी है कि हुजूर वाला से मुलाकात हुई। शहंशाहे परस्ती के जज्बे से हम बेहद खुश हुए। आओ नौजवान, आ तुम हमारे मेहमान रहोगे। Thank you.
ये क्या है? ये मेरे बाप की निशानी है। तुम्हारे बाप की निशानी? ये क्यों? अभी देखते ही बेहोश हो गए। जाओ गुलाब का पानी ला, जल्दी जाओ। था कि तुम उसके लड़के हो। किसका लड़का हूं? कौन है मेरा बाप? मेरे बच्चे, तेरा बाप मेरा जिगरी दोस्त था, एक नेक सीरत इंसान था। था से क्या मतलब है आपका? अब कहां है वो? उसका कत्ल हो गया, बड़ी बेदर्दी से खून हुआ है उसका। खून हुआ है उनका? कौन है उनका कातिल? नहीं फर्जंद, मैं ये नहीं बताऊंगा। आपको पता नहीं होगा शहंशाह, आप जरूर बताएंगे। सारा बताइए, कौन है मेरे बाप का कातिल? नहीं नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा तो ये खंजर तुम्हारे सीने के पार होगा। सारा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया। अफरासियाब, अगर तुम मेरे बाप के कातिल का नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहर जाओ मेरे बच्चे, बताता हूं। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुम्हारे बाप का कातिल ईरान का रुस्तम है। रुस्तम ईरान? हाँ, जिसका नाम सुनकर शहीद सिपाहियों के हाथ से हथियार छूट जाते हैं। और यही वजह है कि तुम्हारी मां ने आज से तुमसे ये बात छुपा के रखी कि तुम शर्मिंदा ना हो कि अपने बाप के खून का बदला ना ले सके। रुस्तम से बदल लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं बल्कि मुमकिन है, और मैं बदला लेकर रहूंगा। कसम है परवरदिगार की, मैं अपने बाप के कातिल को काट के रख दूंगा, और उस वक्त तक सुकून की सांस नहीं लूंगा जब तक उसे तड़प तड़प के मरता ना देख लूं। मुझे कसम है अपने बाप के खून की। नहीं सौरभ, नहीं, तुम रुस्तम से नहीं लड़ सकते। जरूर लड़ सकते, मैं इनकी मदद करूंगा, हथियार को सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। तुम इसकी बातों का हरगिज अमल ना करना। मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं शाहरुख, अब मेरी समझ में आ रहा है कि बाप के बारे में पूछते ही अम्मी क्यों रो पड़ती थी। शाहरुख, मैं अम्मी को इस गम से हमेशा के लिए निजात दिलाऊंगा। तुम इसके जाल में फंस गए हो सौरभ, मैं जाकर अपनी अम्मी से कह दूंगी। शाहरुख, मैं अम्मी से कह दूंगी। शाहरुख, सौरभ, तुम्हारे बाप की रूह इंतकाम के लिए तड़प रही है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं देती? सौरभ, मेरी फौज तुम्हारी इरादे की मुंतजिर। मैं आज ही ईरान जाऊंगा। उमान, हमारे बहादुर सिपाहियों को हुक्म दे दो कि वो तैयार रहें। आज सूरज डूबने से पहले सौरभ के साथ हमारी फौजें ईरान की तरफ कूच करेंगी।
डरपोक, लड़ाई बगैर ही भाग निकले। बुजदिल हुमायूं, पड़ाव डाल दो, लेकिन दुश्मन से होशियार रहना, चारों तरफ पहरा लगा दिया जाए। शमा जलाना भूल गए, रुखसार की सुर्खी क्या कहिए, फूलों का फसाना भूल गए। बस इतनी कहानी है अपनी, जब आँख मिली बेहोश हुए, दामन से हवा तुम कर न सके, हम होश में आना भूल गए। कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम ऐ सनम, कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। क्या लुत्फ आ रहा था, क्या लुत्फ आ रहा था, क्या लुत्फ आ रहा था, दिल बर की दिल लगी से नजरें भी थी मुझे पर, पर्दा भी था मुझे से, ओ आ
क्या हसी तस्वीर थी अल्लाह कसम, ऐ सनम क्या हसी तस्वीर थी अल्लाह कसम, ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। देखना चाहती हो तो सबर से काम लो कार्लोस, आदर मैं तुम्हें वायदा करता हूं कि अगर सौराग को अपने साथ में ला सका तो जिंदा नहीं लौटूंगा। आदर मेरा घोड़ा तैयार है। कार्लोस तहमीनिया और शाहरुख को संभालो। खुदा हाफिज। रात गुजरने तक दुश्मन हमारे हमलों को रोकने की तैयारी कर लेगा। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। यहां से भागे हुए सिपाही जब रुस्तम को हमारे आने की खबर देंगे तो वो अपनी फौज को लेकर खुद यहां आएगा। हम दुश्मन का यही मुकाबला करेंगे। कौन हो तुम? ईरानी। अपने बहादुर ईरानी सिपाहियों के साथ भागे नहीं तुम? वो भागे नहीं बल्कि तुम्हारी मौत के फरिश्ते को लेने गए। रुस्तम को? हाँ, रुस्तम जहां जो सुबह होने तक तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा कर लेगा। गुस्ताखी करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तुमसे? मौत से। मौत से डरता तो तुम्हारा सर काटने के लिए किले में क्यों रुकता? मेरा सर? हाँ, चाहता था कि तुम्हारा सर ले जाके रुस्तमे जहां के कदमों में डाल दूं। और मैं चाहता हूं कि अपने बाप के कातिल रुस्तम का सर काटकर अपनी मां के कदमों में डाल दूं। बहादुर सिपाही, हमने तुमको आजाद किया। और अपने रुस्तम से कह दो कि सफेद कले में मौत उसका इंतजार कर रही है। बहुत बहादुर है वो। बहुत बहादुर, बहुत जिद्दी, बहुत कम उम्र है मेरे आका। वो कहता है रुस्तम मेरे बाप का कातिल है, मैं उसका सर काटकर अपनी मां के कदमों में डाल दूंगा। ये महज उसकी जिद है, वरना कौन कह सकता है कि मैदान जंग में कौन किसके हाथों मारा जाए। हम खुद उससे मिलने के लिए जाएंगे। रुस्तम ईरान। मेरे आका, हमारे ख्याल में आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। हम अपनी फौजें भेजकर उसका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। नहीं मेरे शहनशाह, वो इंतकाम सिर्फ मुझसे लेना चाहता है और मेरी वजह से हजारों आदमी कट जाएं, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। तो क्या आपने उसका दावा कबूल किया? मेरे आका, अगर वो अपनी जिद पर कायम रहा तो मुझे उसका दावा कबूल करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जंग सिर्फ
उसके और मेरे दरमियान होगी। किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बेहतर था कि पहले तुम मुझे मार डालते और उसके बाद यहां आते। मेरा न सही, अपना तो ख्याल किया होता, अपनी मां का तो ख्याल किया होता, वो मां जिसने अपने सारे ऐश और आराम औलाद पर कुर्बान कर दिए। और औलाद है कि मां के दर्द को समझने की कभी कोशिश भी नहीं की। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं, आप पर है मामूजान, अम्मी पर। वो दर्द मैं कैसे समझता जो मुझसे छुपाया गया हो, वो जख्म मुझे कैसे नजर आता जो मुझसे पोशीदा रखा गया हो। जिस लड़के को अपने बाप का नामो निशान तक न बताया गया हो, उसने कितनी शर्मिंदगी और निदामत की जिंदगी गुजारी होगी, ये समझते हैं आप? वो कितना जलील और ख्वार हुआ होगा। आप लोगों ने मेरा जीवन हराम कर दिया था मामूजान। लोग मुझे बगैर बाप का और न जाने क्या क्या कहते थे, मेरे सीने पर तीर चलते थे, मैं खामोश रहा करता था। क्या आप लोगों ने मेरे दर्द को महसूस करने की कोशिश की? बताइए क्यों छुपाया गया था मुझसे मेरे बाप का नाम, क्यों छुपाया गया था मुझसे मेरे बाप का नाम? इसलिए कि हमें तुम्हारी जिंदगी अजीज थी। यानी खूनी रुस्ता मुझे नहीं मार डालता। खामोश बदकलाम। तुम्हें ईरान मामूजान, मामूजान दादे फसील पर है, भागने न पाए। भागने के लफ्ज से रुस्तम के कान कतई नाशना है। हमें खुद अफसोस है कि हम इस बूढ़े सिपाही की मौत का बायस बने। रुस्तम मेरे बाप का कातिल और मेरे मामू का खूनी। नौजवान जबान पर काबू रखो, ना हक कत्ल खून हमने कभी नहीं किया। हमारे यहां आने का मकसद है सिर्फ तुम्हें आगाह करना कि इस वक्त तुम महज एक इंसान की लाश पर अफसोस कर रहे हो, मगर वो वक्त बहुत बुरा होगा जब इंसानी लाशों का अंबार तुम्हारे सामने होगा। और इससे पेशतर कि कत्ल खून का धारा तुम्हें बहा कर ले जाए, अपनी फौज को लेकर वापस लौट जाओ। अब यहां से तुम नहीं
بلکہ تمہاری لاش جائے گی نوجوان اس کمسنی میں کیوں اپنی موت کو للکارتے ہو میرے سپاہیوں کے گھیرے میں کھڑے تم مجھے کو موت کی دھمکی دے رہے ہو تمہاری یہ بساط یہ ہستی میری بساط ظاہر ہے اور میری ہستی اٹل اور میں تمہاری ہستی کو ہلا دوں گا میری ہستی کو ہلانے والا انسان ابھی پیدا نہیں ہوا یقین ہے تمہیں اس کا جواب میرے بازو دیں گے میری تلوار دے گی تو پھر میں اسی سے پوچھوں گا نکالو اپنی تلوار ہوش میں آؤ لڑکے میری تلوار نے بہادر سپاہی کے سر کو شرم سے چھپتے دیکھا اور میرے بازو نے بہادر سے بہادر سپاہی کے سر کو شرم سے جھکتے دیکھا ہے خدا گواہ ہے میں نے اپنا فرض پورا کیا نوجوان تجھے موت ہی چاہیے تم ملے گی ضرور ملے گی سورج نکلنے سے پہلے دریائے آکسس پر میں تیرا انتظار کروں گا تو پھر دریائے آکسس پر تمہاری موت کا پیغام لیے میں ضرور آؤں گا مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا یہ عمر یہ کم سنی نہ جانے کیوں جوانی موت کے راستے تلاش کرتی ہے تعجب ہے یہ درد اور ایک خونی کے دل میں وہ خونی جو ایک کمزور نہتھے اور ضعیف انسان کو قتل کرنے سے بھی باز نہ آیا غلط ہے مرنے والے کی موت میرا مقصد نہیں اس کا مقدر تھا مقدر مجبور انسان کا آخری سہارا ہوتا رستم اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اور بہانہ تلاش کیا ہوتا یہ سننے کے بعد میں اپنے دشمن کو جینے نہیں دیتا تو مجبوری کیا ہے صرف یہ کہ تم مشکل سے میرے بیٹے کی عمر کے ہو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ابھرتی ہوئی جوانی کو خاک میں ملا دوں اب بھی وقت ہے اپنی ضد سے باز آؤ میرے بچے Sahara!
सोहराब! क्या बात है अम्मी? सोहराब हुआ मेरा बच्चा। सोहराब, सोहराब कहाँ जा रही हैं आप? शाहरुख, मैंने एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है। रुस्तम, ये लाश तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे गुरूर की है जो मिट्टी के इस ढेर में दफन हो चुकी। अब तुम कभी नहीं बोलोगे। Ah!
मैं वो भी छीन लूंगा। के मैदान में जिंदगी की भीख मांगना भी एक सिपाही के लिए शर्म की बात है। अब मैं तुमसे इंतकाम नहीं लूंगा, तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में अब कोई मैल नहीं। जाओ, मैंने तुम्हारी जान बख्शी। लेकिन अब मुझे ये मंजूर नहीं। तुमने ठीक कहा था नौजवान, भीख में मिली हुई जिंदगी से एक सिपाही के लिए मर जाना बेहतर है। तो क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो हारे हुए सिपाही? बेशक, अब यह लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम दोनों में से कोई एक मौत की नजर न हो जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह सूरज निकलने से पहले मैं यहां मौजूद रहूंगा। दुश्मन, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। परवरदिगार, वो सर जो हमेशा बुलंद रहा, आज एक तुरानी लड़के के आगे शर्म से झुक गया। मुझे अपनी जिंदगी की भीख मांगना पड़ी। रब्बे कायनात, अगर रुस्तम की जिंदगी के दिन खत्म हो चुके हैं तो बेशक उसे बना कर दे, मिटा दे, बर्बाद कर दे, लेकिन यूं जलील न कर। अगर मुझे जिंदा रखना मतलूब है तो फिर मेरे वकार को भी कायम रख, मेरे वकार को भी कायम रख, मेरे वकार को भी कायम रख। आज तुम बहुत जल्द चले आए रुस्तम। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ने की ख्वाहिश रखते हो। मुझे तुम्हारी हालत पर तरस आता है। तुम नहीं बोलोगे? ठीक है, संभालो हथियार।
शमा की तरह भड़कता है लड़के, आखिरी वक्त है, खुदा का नाम ले कि सुकून की मौत नसीब हो। मेरा सुकून मुझे मिल चुका है। ये देख, ये देख, ये देख मेरे बाप की निशानी। तावीज पर मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी है। मेरी मौत मेरी फतह है रुस्तम। तमीन तमीन परवरदिगार, मैं तेरा बदनसीब बाप, मैं बदबख्त ही तेरा बाप हूँ। आप रुस्तम ईरान, मेरे बुजुर्ग के बाप। खुदा ऐ मालिक है तो जहान, मेरी जिंदगी लेकर मेरे बच्चे की जिंदगी लौटा दे। खुदा बंदा, अगर जान का सदका जान हो सकता है तो मैं अपनी जान तेरे हजूर पेश करता हूँ। मैं अपनी जान तेरे हजूर पेश करता हूँ। नहीं, नहीं, रुको, रुको। मुझे अपनी आगोश में ले लीजिए। मैं तेरी भलाई ले लूँ मेरे बच्चे, मैं तेरी भलाई। अब्बा सुनने के लिए मैं कितने बरसों से बेताब, ये सिर देखने के लिए कि मैं कितना बेचैन था। मेरे बच्चे, क्या हो गया? मैं तुझे पागे खो दिया, मेरे सारा मैं तुझे पागे। ये तकलीफ, ये दर्द की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती। मेरे मालिक, मेरे मालिक, अब्बा जान, देखो देखो देखो, ये तुम्हारी निशानी, ये तुम्हारी डन्ने मुन्ने हाथों की दी हुई निशानी, ये तुम्हारी तलवार का। देख, मैं कलेजे के साथ लगाए फिरता रहा इतने बरस। देखा बेटे, देखा तुम? शराब बच्चे, बोल बोल आके खो मुझसे। बाद अज आ आखिरी हिचकी, मुकम्मल बेबसी, मुर्गे जां की परफिशानी, मौत की संजीद की। सालहा साल सदियां गुजर गईं,
लेकिन सोहराब के खून से लिखी गई ये दास्तान आज तक कायम है और हमेशा कायम रहेगी। For more updates, like, comment, subscribe to our channel.